अस्सलाम वालेकुम रहमतुल्लाहि व बरकातहू। दोस्तों, मैं फहद मखसूसी। ये वीडियो बनाने का खास मकसद ये है कि जैसे कि आप सभी जानते हैं कि कुछ दिन पहले हिंदुस्तान की एक अदाकारा जिसका नाम कबल राखी सावंत था और अब बताया जा रहा है कि उन्होंने इस्लाम कबूल कर लिया है और उनका नाम फातिमा है, जो कि बहुत अच्छी बात है। मुबारकबाद देते हैं और आपका इस्तकबाल करते हैं इस खूबसूरत मजहब में। और अब वो उमरे के लिए आई हुई हैं सऊदी अरब को और उनकी मुख्तलिफ वीडियो सामने आ रही हैं कि वो यानी माशाल्लाह से जो सऊदी अरब के अंदर जो पाक मुकामे हैं वहां पे जाकर जो है ना इबादत कर रही हैं। तो वो वहां तक इबादत तक ठीक था ताकि लोगों तक ये पैगाम पहुंचा सके कि भाई मैं मुसलमान हो गई हूं और मैं इस तरीके से इबादत कर रही हूं। लेकिन उसके अलावा भी उनकी कुछ ऐसी वीडियोज आ रही है, देखिए, एक मुसलमान होने के नाते मुझे तो नागवार गुजर रही है कि वो बाबे मस्जिद नबी के पास जाके हाथें भाएं खोल के उसको चूमना और उसके यानी उसके साथ ड्रामे करना, ये सब बकवास चीजें मत करिएगा। आप एक अदाकारा हैं, इसका ये मतलब नहीं कि आप आके मस्जिद नबी में अदाकारी करेंगे। अदाकारी को अपने जो है ना इस मस्जिद के बाहर रखिए, इस पायस मुकामों के बाहर रखिए। आप यकीनन हम इस्तकबाल करते हैं आपका हमारे मजहब में, लेकिन आप इस तरह की हरकतें करेंगे तो यकीनन मैं खुद भी सऊदी अरब में रहता हूं और मजबूर हो जाऊंगा कि यहां की हया पुलिस को और यहां की जो शरिया पुलिस को इस बात की इत्तला दूं कि इस तरीके के ड्रामे वीडियोस बनाए जा रहे हैं। और उन तमाम न्यूज चैनल्स वालों से भी मैं रिक्वेस्ट करता हूं कि इस तरह की बेहूदे वीडियोज को शेयर करना बंद करिए। सबसे पहले आप लोग शेयर कर रहे हैं और उसे जो है ना और मोटिवेशन मिल रहा है कि मेरी वीडियोस वायरल हो रही हैं और इस तरह का उल्टा सीधा ड्रामा करके वो उल्टे सीधे वीडियोस पोस्ट कर रही है। आपका पास जो भी था वो आपके और अल्लाह के बीच में है, उसमें हमारा कोई अमल दखल नहीं है और इस पर मुझे कुछ कहना भी नहीं है। मुझे सिर्फ तकलीफ इस बात की हुई कि आप जिस तरह से जो है ना ड्रामे कर रही हैं उस पाक मुकाम पे जाकर, अगर आपको कुछ मैसेज पहुंचाना है बोलिए, आप वीडियो के जरिए से मुखातिब होकर लोगों को बोलिए कि मैं मस्जिद नबी में बैठी हूं, आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के पास मैं जो ना अपनी जो भी है बहरहाल गुहार लगाने के लिए आई हूं। आप मैसेज के जरिए से बोल सकते हैं, लेकिन ये अदाकारी करने की आपको जरूरत नहीं है। आप बाएं खोल के भाग रही है, जैसे आप हिंदुस्तान में भी जब भी मीडिया के सामने आती जो उल्टी सीधी अदाकारी करती है ना, वो अदाकारी इस मुकाम पर बैठ के हरगिज मत करिए, वरना आपको बहुत भारी पड़ सकता है। थैंक यू वेरी मच। और मैं फिर एक बार तमाम हैदराबाद के और हिंदुस्तान के मीडिया वालों से रिक्वेस्ट करता हूं कि इनके इस तरह के वीडियोस को, फालतू वीडियोस को शेयर मत कीजिए। थैंक यू।